चलिए, रेशियो एनालिसिस पे थे, फॉर्मूलाज सारे डिस्कस हो चुके थे हमारे लास्ट क्लास में, क्वेश्चंस हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 23-24, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। सो एज पर द इंफॉर्मेशन जीपी निकालना रहेगा सबसे पहले हमें। नेट सेल्स ये रहा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, सेल्स रिटर्न है क्या? कोई सेल्स रिटर्न? नो, रिटर्न इनवर्ड नहीं है। तो हमारी सेल्स हो गई 1 लाख। जीपी, जीपी कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रेडिंग बना लें। क्या भाई स्टॉक का है तुम्हारा? चलो, स्टॉक दे रखा है हमें, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम। तो मैं इसे ओपनिंग की तरफ रख देता हूँ। परचेजेस 75, कैरेज इनवर्ड 2000, वेजेस 5000, सेल्स 1 लाख। जीपी जीपी इज 8000। आप इसे ट्रेडिंग के फॉर्मेट में बनाइए या आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाइए। स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे देन सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इन डिक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्योंकि जनरली कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं चलता है। कॉर्पोरेट्स के पीएनएल में आता है चेंज इन इन्वेंट्री, इधर डिक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग और इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग की तरह ट्रीट करेंगे हम उसको। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री जहां भी लिखा होगा हम उसे क्लोजिंग की तरह ट्रीट करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री जहां भी गिवन होगा हम उसे ओपनिंग की तरह ट्रीट करेंगे। यहां में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है 92000, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जीपी इज 8000। सो जीपी रेशियो इज 8000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज 8%। अच्छा एक मिनट, रिटर्न आउटवर्ड भी है 2000 का। आपको पूरा लिख ही देते हैं।
Got it? Without. GP ratio and earning before interest tax depreciation and amortization. ये दो कैलकुलेट करना है. इंफॉर्मेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एनी सेल्स. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब COGS. सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. कैलकुलेट GP रेशो. बोलिए GP रेशो. सेल्स माइनस COGS से GP आएगा. सेल्स माइनस COGS GP इज 2,20,000. सो GP रेशो विल बी 20,000. GP रेशो कैलकुलेटर चलाइए. सेल्स GP दोनों मालूम है. 0% में आंसर करेंगे 64%. GP डिवाइडेड बाय सेल्स. GP इज 2,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स. सेल्स इज 3,40,000. GP डिवाइडेड बाय सेल्स 64% इज योर GP रेशो. ठीक है. नेक्स्ट चाहिए हमें EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. सेल्स 3,40,000. COGS 1,20,000. GP इज 2,20,000 लेस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. सेलिंग एक्सपेंसेस 80, एडमिनिस्ट्रेटिव 40. इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,00,000. रेशियो विल बी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000. So GP ratio is 64% and EBITDA margin. EBITDA margin earning before interest tax and depreciation amortization margin. तो हमें यहाँ पे earning कौन सा लेना है? Before interest, before tax, before depreciation, before amortization. तो हमने GP से चले थे. हमने सिर्फ वही expenses minus किए. हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है. हमने अमोर्टाइजेशन कंसीडर नहीं किया. इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किया. टैक्स कंसीडर नहीं किया. ठीक है. ओके. और किसी को पास कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 13. GP रेशो ऑफ अ कंपनी वॉज 25%. GP रेशो गिवन है. इट्स 25%. इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 20,00,000. क्रेडिट सेल्स गिवन है 20,00,000. एंड इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज 10% ऑफ टोटल सेल्स. कैश सेल्स इज 10% ऑफ टोटल सेल्स. लिख लीजिएगा कैश सेल्स इज 10% ऑफ टोटल सेल्स. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000. एनपी रेशियो निकालना है. क्रेडिट सेल्स इज 20,00,000.
कैश सेल्स इज 10% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। इसका मतलब अ क्रेडिट सेल्स इज 90% ऑफ टोटल सेल्स। व्हेन कैश सेल्स इज 10% ऑफ टोटल सेल्स, दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स इज 90% ऑफ टोटल सेल्स। तो योर टोटल सेल्स विल बी, ट्वेंटी लाख डिवाइडेड बाय 90%, ट्वेंटी लाख ही है ना? यस, योर टोटल सेल्स इज 20 लाख डिवाइडेड बाय 90%। ट्वेंटी टू लैख 22,222 इज योर टोटल सेल्स। जीपी कितना बोला है? जीपी बोला है 25%। यानी 5,55,555 सेल्स का 25% लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट इज 5,55,555। सर एनपी रेशियो विल बी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। नहीं, 25.27%, 25.27%। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फाइन, गलत बताया आपने। इट्स 22.75। किस किस ने 24.25.24 लिखा था? सबने कॉपी मार लिया, कैलकुलेटर तो हमें चलाना नहीं है। चलो जी, कोई नहीं, कॉपी करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस नहीं, क्वेश्चन है ना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक तो होगा ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं भाई। यस, क्वेश्चन नंबर वन। करंट रेशियो इज 3.521, वर्किंग कैपिटल इज 90,000,
कैलकुलेट करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। नाउ रेशो के यूज की बात करेंगे अब, जहां हम रेशो को यूज करके डिफरेंट कैलकुलेशंस की तरफ, क्वेश्चन सीधा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन का ही मिलेगा, चांसेस वही रहते हैं। अ करंट रेशो इज 3.5:1। करंट रेशो का मतलब करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। वी कैन से आर करंट असेट इज इक्वल टू 3.5 करंट लाइबिलिटी, है ना। सेकेंड, वी आर प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। कितना बोला? सो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज 90,000। करंट असेट को रिप्लेस कर देते हैं, 3.5 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज 90,000, 2.5 करंट लाइबिलिटी इज 90,000। सो द करंट लाइबिलिटी इज 90,000 डिवाइडेड बाय 2.5, 36,000। सो द करंट असेट विल बी 3.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी, 1,26,000। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। ऑल गुड, तो बहुत इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन। मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका वो ये है कि आप हमेशा उस इन्फॉर्मेशन के साथ जाएंगे जो वैल्यू में गिवन है, वो जिस फॉर्मूले में, जिस कॉन्सेप्ट में, जिस रेशो में यूज में आती है, वहाँ से रिवर्स स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, करंट रेशो, क्विक रेशो एंड इन्वेंट्री इज गिवन। चलिए लेट्स ट्राई। चलिए गाइस ट्राई करें। करंट असेट करंट लाइबिलिटीज चाहिए मुझे। इसमें वर्किंग कैपिटल कहाँ दिया हुआ है आपको?
आप लोगों ने लास्ट लेक्चर किया है ना, इसका फर्स्ट लेक्चर ये क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन करवाया था। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वैल्यू चेंज हो सकती है बट 100% सेम क्वेश्चन। सो करंट लाइबिलिटी कम्स एट 24,000, तो करंट असेट्स आ जाएंगी 1,08,000। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी 75,000, करंट रेशियो इज 4, लिक्विड रेशियो इज 1:1, स्टॉक एंड करंट असेट बताइए। अब मुझे सभी से आंसर दीजिएगा। बोलने का नहीं, निकल के रखने का है सबको। आ गया आपका दिखाना, कैसे है? बेटा आपने क्या ही लिखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये क्वेश्चन तो वर्बली होने वाला था। करंट असेट इज 4 टाइम ऑफ करंट लाइबिलिटी, दैट मीन्स 3 लाख। लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी, दैट इज 75,000। डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड लिक्विड असेट इज इन्वेंट्री, दैट इज 2,25,000। नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री 20,000, लिक्विड असेट 1 लाख। फटाफट बताना इसका आंसर। इन्वेंट्री इज 20,000, लिक्विड असेट इज 1 लाख, क्विक रेशियो इज, तो आई वांट करंट रेशियो। करंट रेशो लिक्विड असेट गिवन था, लिक्विड रेशो गिवन था। लिक्विड असेट लिक्विड रेशो को यूज़ करके हमने करंट लायबिलिटी कैलकुलेट किया। लिक्विड असेट करंट असेट का डिफरेंस होता है स्टॉक, स्टॉक गिवन था, तो लिक्विड असेट प्लस स्टॉक से करंट असेट्स आ गया, एंड देन जस्ट करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बहुत इजी वाला पार्ट है, तो करंट रेशो वाला पार्ट तो सबसे इजी वाला पार्ट है। फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन तो रखना पड़ेगा गाइस, क्या करते हो। चलो डेट इक्विटी रेशो, टोटल असेट करंट लायबिलिटी टोटल डेट, डेट इक्विटी रेशो बताना है। डेट अपॉन इक्विटी, बताओ डेट कितने, इक्विटी कितनी है।
12 लाख, गलत जवाब। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, ये टोटल डेट गिवेन है, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटाओगे तो लॉन्ग टर्म डेट बचेगा, तो लॉन्ग टर्म डेट इज 6 लाख। व्हाट अबाउट इक्विटी, कैसे क्यों? एक मिनट, एक नहीं, आप बताओ कैसे सोचा। ऐसे राइट रास्ता बताओ ना बेटा, सीधा सीधा रास्ता बताओ ना मेरे को, मतलब अजीब सा कुछ सुनने को लग रहा है तो गलत लग रहा है ना। टोटल ऑफ द असेट इज 15 लाख, तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी विल बी 15 लाख। यहाँ शेयर होल्डर फंड होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, इसका टोटल भी 15 लाख। मुझे ये चाहिए, तो इसमें से ये हटा दूँ तो 15 लाख में से लॉन्ग टर्म डेट और करंट लाइबिलिटी यानी टोटल डेट हटा देता हूँ, तो टोटल डेट यदि टोटल लाइबिलिटी में से हटाया तो क्या बचेगा? शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी, दैट इज 3 लाख, रेशियो इज 2:1। ये मैंने आपको टेक्निक बताया था, फॉर्मूले 100 याद नहीं कर सकते, हमें चीज को समझ के चलना पड़ेगा। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट असेट, करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट, शेयर होल्डर फंड टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस जीरो सरप्लस। अब जो चाहिए वो निकाल लो, बस इतना सा चार्ट ये ध्यान रखना है, इसमें से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। हमें टोटल असेट्स बोला था, ये गिवन था, जो ये होगा वही ये होगा, इसमें से ये निकालना था, तो ये वाला पार्ट हटा दूंगा तो ये निकल जाएगा। टोटल असेट 15 लाख, टोटल लाइबिलिटी 15 लाख, टोटल लाइबिलिटी 15 लाख, उसमें से टोटल डेट 12 लाख उड़ा दिया, शेयर होल्डर फंड बच गया, दैट इज इक्वल टू इक्विटी। ठीक है, तो सेम है, सेवेंथ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, जीपी, इन्वेंट्री एट द एंड, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, COGS is opening stock plus purchase, oh direct expense minus closing stock or sales minus GP। हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन है, मैं सेल्स और GP मालूम है, 2,50,000, सेल्स इज 2 लाख, GP इज 50,000, COGS 1,50,000,
ये आ गया। अभी क्या बोल रहा है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है इसने? ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 60 एंड एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर बिगिनिंग इज 20। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है, एंड व्हेन क्लोजिंग इज 60 तो डेफिनेटली ओपनिंग 40 रहा होगा। उसको कैलकुलेट करने में इतना कोई बड़ा लोड है नहीं इस चीज में। लाइक क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 20,000। कैन वी से दिस? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000 मोर देन दी ओपनिंग। सो क्लोजिंग इज ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000। सो ओपनिंग स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस 20,000, दैट इज 60,000 माइनस 20,000, इट्स 40,000। सो द एवरेज इन्वेंट्री विल बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इट्स 50,000। आ जाओ इधर, COGS आ गया 1,50,000, एवरेज इन्वेंट्री 50,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम्स 3। ठीक है, चलिए काम करते हैं। आप लोगों को पहले फॉर्मूलाज और याद करने पड़ेंगे सारे अच्छी तरह से, ताकि हम उनका यूज तभी कर पाएंगे जब वो फॉर्मूले में टिप्स पे हो। ये आया, इसका फॉर्मूला हमने थ्रू किया, इन्फॉर्मेशन को समझा। इन क्वेश्चन से चीजें यही कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे कैसे काम करना, एंड वही मेन पार्ट है। हमारे पास अभी पैटर्न नहीं है, बट स्टिल आई कैन से कि इस स्टेज पे आके मैं रेशो पे बात कर रहा होता ना, तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट फॉर्मूलेस तो प्रेफर नहीं करता। मैं आपको डेटा दे दूं, बोल दूं रेशो निकाल दूं, फॉर श्योर नहीं। मैं आपसे वही क्वेश्चंस पूछता कि जहां मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना रहता। हमें इस चीज़ पे काम करना है। एक बार आप आगे करिए, इसको कंटिन्यू पढ़िए, सारे रेशोज़ याद कीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ।